स्टोरी है नारायणी माता यहाँ पे कुदरत प्रकट हुई थी पहाड़ों के बीच में से निकल के माता जी का, और यहाँ की जो एक पानी का बहाव रहता है हमेशा, उसका माता जी ने खुद ने ना एक इंसान के रूप में प्रकट होके बताया था कि एक पानी जो गाय वाले होते हैं गाय चराने वाले, वो प्यासा मर रहा था यहाँ पे, तो वो बैठ के रो रहा था। माता जी खुद उसको देख के प्रकट हुई कि भाई तेरी परेशानी का तो पता था माता रानी को। वो बोला कि मेरे को यहाँ इस जंगल में ना तो पीने को पानी है ना कुछ खाने को है। माता जी ने उनको बोला जहाँ तक तुम बच सकते हो ना, यहाँ से किलो दो किलोमीटर पाँच किलोमीटर जिससे पीछे तुम मुड़ के मत देखना, उसके पीछे पानी आता रहेगा तुम्हारे। तो यहाँ पे ना नदी है एक, तो उस कबाड़े की यही देन है कि भाई माता रानी ने दी थी उसको। नदी का क्या नाम है भैया? नदी तो ऐसी क्या है, नदी का नाम तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, माता रानी की कृपा ही बोलते हैं सब नदी को। माता रानी की कृपा है, तो वो पानी और कुंड भी बना हुआ है वहाँ पे, उसमें सांप भी रहते हैं माता रानी के। ये द्वार दिखा रहे हैं उनकी फूटी गेंदड़ी रे उनकी फूटी गेंदड़ी Thank you.
पंचायत को मालिक बन गयो 5 साल तक रे को। अरे याद कर गरीब जनता जद दौड़ियो आजो बेगो, 5 साल तक जनता की तन मन सु सेवा साथ भाई मार। 5 साल जनता की तन मन सु सेवा साथ भाई मार। 5 साल जनता की तन मन सु सेवा साथ भाई मार। 5 साल तक राम भाइयों। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं आज राजस्थान के अलवर जिले में परसर धाम है, जो कि आप लगा सकते जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार धाम होता है ना, वो परसर धाम ऐसा ही है यहाँ पे। यहाँ पे गोमुख भी है और मंदिर भी है। इस बारे में ये हमारे दोस्त हैं राहुल शर्मा, ये बताएंगे। बताओ राहुल क्या है ये परसर धाम है भाई? अलवर में पड़ता है ये, बानगढ़ से मैं 8-10 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे इसमें भगवान शिव शंकर का वो हुआ था, जब समाधि ली थी उस टाइम पे ना उनका कुछ वंश ने यहाँ पे लिया हुआ था भाई। और ऊपर पहाड़ों के ऊपर है ना, वहाँ पे इनकी वो बनी हुई है शिवलिंग। ऊपर पहाड़ हेमंत दिखाइए भाई, वहाँ जो लास्ट में है ना पहाड़ के एकदम टच में है, वहाँ पे उनकी शिवलिंग है ऊपर। अब इधर ले जाइए। अभी फिलहाल उनकी श्री संत श्री 101008 उनकी है ना, अभी वो करते हैं पूजा पाठ शिवलिंग की। यहाँ के लोकलों के लिए यहाँ पे आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ के लोकल। जो भी यहाँ की कोई मन्नत मांगता भाई पूरी होती है, तो दिल से मांगेगा उसकी मन्नत पूरी होगी यहाँ पे, तभी ये गांव की पब्लिक यहाँ आती है भाई। मेरा प्रोग्राम था तो हरिद्वार जाने का नहीं, लेकिन मेरे को ये अपने राजस्थान में यार दोस्त हैं, मैंने फिर यही क्रम का घूमने के लिए देखते हैं कैसा है वहाँ पे, तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। ये उत्तराखंड का हरिद्वार से भी मतलब यहाँ पे राजस्थान में जितनी उसका महत्वपूर्ण है वो इतनी ही इसकी वैल्यू है यहाँ पे। हरिद्वार जैसा ही धाम है ये, मेरे को देखने में बस यहाँ एक चीज़ की कमी है पानी की यहाँ पर, लेकिन पहाड़ से है। बारे में जितनी तारीफ करूँ उतना कम है यहाँ के लिए, तो बाबा की मेहरबानी है बहुत बढ़िया। तो जो भी भाई को मन से मन्नत मांगता उसकी मन्नत पूरी होती है, सबसे बड़ी बात ये यही है यहाँ की। अच्छा ले जा रहा है ये पंडित को लग रहा है कि बहन से गुम हो गए हम। ये लोकल है यहाँ का, फिर भी भाई सही रास्ता बताया मैंने। कौन सा गाँव है भाई? भाई अजमगढ़ है हमारा गाँव। कितने दूर पड़ता है? पहाड़ से पीछे है।
इसका देखो इस पहाड़ से पीछे है, ये जो पहाड़ी है इसके पीछे इसका गाँव है। राहुल थोड़ा दोसा है अगला, जो बदमाशों का क्षेत्र दोसा। सांप पकड़ लेंगे हम भाई, अब जा रहे हैं हम जंगल बिरान में एकदम, जहाँ हमने सात पहाड़ पार किए ना, अब आएगा असली मजा। आगे कुछ नहीं है, बस चल ली चल ली आगे। सामने फिर आगे क्या दिखेगा?